Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic, Theories of Motivation, in which mainly I discuss Maslow's Theory of Motivation, which is a very important theory of motivation. And the lecture will be in bilingual mode as usual, and this is very, very common topic by which many questions have been asked in objective as well as subjective type of exams. And do subscribe my channel too. First of all, मैस्लो को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लें कि थेरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत बताए गए, और नो डाउट उसमें मैस्लो की थेरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैस्लो की सॉरी मोटिवेशन थेरी है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल और आउटकम. मतलब ये जानने का अध्ययन है, इस समझ का अध्ययन है मोटिवेशन थेरी, जो हमें ये बताती है कि क्या वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को किसी गोल की तरफ काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसको बल देती है उधर जाने के लिए, उसको डायरेक्शन देती है. डिफरेंट कॉग्निटिव थेरीज ऑफ मोटिवेशन आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू कंट्रास्टिंग अप्रोचेस, कंटेंट थेरीज एंड प्रोसेस थेरीज. जितनी भी अगर हम थेरीज मोटिवेशन की देखें तो उनको हम दो मेन हेडिंग में बांट सकते हैं, कंटेंट थेरी और प्रोसेस थेरी. कंटेंट थेरी क्या कहती है? कंटेंट माने कि नीड पर बल देती है, मतलब कि क्या चीज है जो व्यक्ति को मोटिवेट करी, वो कौन सी आवश्यकताएं हैं. और जबकि प्रोसेस थ्योरी उस प्रोसेस पे, एक्चुअल मोटिवेशनल प्रोसेस पर बल देती है. तो कंटेंट थ्योरी क्या कहती है? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन दोज स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच एक्चुअली मोटिवेट द इंडिविजुअल एट वर्क. है ना, कि व्यक्ति जब काम करता है, किसी लक्ष्य के प्रति प्रेरित होता है, तो अभिप्रेरित होता है, तो वो कौन सी नीड्स है जो उसको उसके लिए ड्राइव का काम करती है. तो दीज थ्योरीज आर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग पीपल्स नीड्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड द गोल्स दे परस्यू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स. कंटेंट थ्योरीज प्लेस एम्फेसिस ऑन व्हाट मोटिवेट्स, कौन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ, गोल और जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, ये सब जो है वो केंद्र बिंदु है कंटेंट थेरीज का. जबकि प्रोसेस थेरीज क्या कहती है? इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द डायनेमिक वेरिएबल्स व्हिच मेक अप मोटिवेशन. हमको मोटिवेट करने के लिए वो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप पे इम्फेसिस है, और हाउ बिहेवियर इज इनिशिएटेड, हमारा बिहेवियर कैसे शुरुआत करता है उस दिशा में जो हमको काम करना है, डायरेक्ट होता है, निर्देशित होता है, सस्टेन रहता है, हम काम करते रहते हैं सतत उस दिशा में, कैसे होता है. तो जैसे ही आप कैसे की बात करेंगे, वैसे ही आप किसकी बात करेंगे? प्रक्रिया की बात करेंगे. तो प्रोसेस थेरीज प्लेस एम्फेसिस ऑन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ये जो मोटिवेशन की एक्चुअल प्रोसेस है उस पर इसका बल है. तो कंटेंट थेरीज में हमको मेनली पढ़नी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, एल्डरफेल्ड्स ईआरजी थेरी, हर्ज़बर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थेरी और मैक्लेलैंड लर्नर नीड्स थेरी. तो मैस्लो आज हम पढ़ेंगे, और एल्डरफेल्ड क्या है? मैस्लो का ही कंडेंसेशन है, उसी को संघनित रूप है, और हर्ज़बर्ग उसके बाद रह जाएगा, और मैक्लेलैंड. ये चार मेन थेरीज हैं जो हमको कंटेंट थेरीज की हेडिंग में पढ़नी है. और प्रोसेस थेरीज में हमको पढ़ना है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी, इक्विटी थेरी और गोल सेटिंग थेरी. ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे मैस्लो की थेरी से. देखिए मैस्लो की थेरी से बहुत सवाल बनते हैं, आसान थेरी है और बहुत डिसिप्लिन के लोग इसको पढ़ते हैं, मेनली मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि ये इम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क प्लेस पे कैसे काम करें, कैसे उनको मोटिवेट रखा जाए, कैसे वो अपना बेस्ट आउटकम दें, इसलिए इसके हाथ से वहाँ पढ़ाई जाती है. हम लोग एजुकेशन में कैसे पढ़ेंगे, किस नजरिए से इसको देखेंगे, कि हम स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट रखें कि वो लर्निंग कर पाए, उनको लर्निंग की तरफ निर्देशित हों सीखने के लिए. तो मेन क्या बात है इसमें, कि इन्होंने बताया है कि जो पांच नीड्स बताई हैं उसकी भी हायरार्की बताई, इसीलिए इसको नीड थ्योरी, हायरार्कीकल थ्योरी, सारी थ्योरीज का नाम दिया जाता है. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी 1954 में आई, प्रपोजेस दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय मल्टीपल नीड्स एंड दैट दीज नीड्स एग्जिस्ट इन हायरार्कीकल ऑर्डर. वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो बहुत तरीके की आवश्यकताएं उसकी होती हैं, उनसे वो मोटिवेट होता है कोई काम करने के लिए, और इन आवश्यकताओं का की भी हायरार्की है, इनके भी कम ज्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर है. तो मैस्लो ने क्या आइडेंटिफाई किया कि पांच तरीके की आवश्यकताएं कौन कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, नेक्स्ट पे आप देखेंगे एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? मोस्ट बेसिक ह्यूमन फिजिकल नीड्स, हमारी जो मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग फूड, वाटर एंड अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में क्या हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स? दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द नीड्स फॉर प्लीज एंड वर्किंग कंडीशंस एंड सैलरी, यानी कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है जिसके बिना आप सैलरी पर सर्वाइव नहीं कर सकते, कि वर्किंग कंडीशंस एटलीस्ट प्लीजेंट हो और सैलरी आपको ठीक मिले, है ना. फिर
ये जब नीड फुलफिल हो जाती है अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तब हम सेफ्टी नीड के बारे में सोचते हैं, तब हम मोटिवेट होते हैं सेफ्टी नीड के लिए. क्या जरूरी है तब के लिए? दीज आर दी नीड्स फॉर ए सेफ एंड सिक्योर फिजिकल एंड इमोशनल एनवायरमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, है ना. यानी कि जो हमें एनवायरमेंट मिले वो सेफ हो, सिक्योर हो, फिजिकली, इमोशनली. और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेस में इसकी जगह कौन ले लेगा? सेफ्टी नीड्स, डेफिनेटली नीड फॉर हमारी जॉब सेफ हो, सिक्योरिटी हो, हमको बेनिफिट्स मिले. सेफ्टी नीड पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड सर्वाइवल के लिए जरूरी है. फिर उसके बाद जब सर्वाइव कर लेता है व्यक्ति, तब अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है. जब सेफ हो जाता है तो सोशली सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में सोचता है. सोशल नीड्स क्या कहता है? दीज नीड्स रिफ्लेक्ट द डिजायर टू बी एक्सेप्टेड बाय वंस पीयर्स. यानी कि जो हमारा दोस्ती का ग्रुप है, जो हमारे दोस्तों का समूह है, उसमें हम एक्सेप्ट किए जाते हैं कि नहीं, हमको हमारे दोस्त हैं कि नहीं, जो हमारी केयर करते हैं, हमें लव करते हैं. इन द ऑर्गेनाइजेशन दीज नीड्स इन्फ्लुएंस द डिजायर. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हमारी गुड रिलेशनशिप को वर्कर्स के संग है कि नहीं, हमारा कलीग्स के संग बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत दिक्कतें हैं, तो वहां पे फिर आउटकम बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. फिर एसटी नीड्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, आपका सर्वाइवल सुनिश्चित हो गया, आप सेफ एनवायरनमेंट में हैं, आप एक्सेप्टेंस भी मिल गई, तब हम किसके बारे में सोचते हैं? अटेंशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए. ये भी जरूरी है, अगर आप काम कर रहे हो, काम की पहचान नहीं है, तो फिर आप काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, फिर आप काम नहीं करना चाहेंगे. दीज नीड्स रिलेट टू द डिजायर फॉर पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ना कि हमको सामने वाला अप्रिशिएट करता है. और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? टीम नीड्स टू रिफ्लेक्ट द मोटिवेशन फॉर रिकॉग्निशन एंड इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई स्टेटस एंड क्रेडिट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं क्रेडिट मिले. और सबसे लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ये क्या कहती है? दीज रिप्रेजेंट द नीड फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, विच इज द हाईएस्ट नीड के लिए अकॉर्डिंग टू मैस्लो. मैस्लो कहते हैं कि आपने फिजियोलॉजिकल नीड हासिल कर ली, आपको सेफ्टी नीड फुलफिल हो गई, सोशल नीड भी पूरी है, एस्टीम भी आपका बढ़िया हो गया, तब हम किसके बारे में सोचते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हम एक्चुअलाइज कर सकें कि वॉट सेल्फ वी हैव, जो हमारा आइडियल सेल्फ है वो निकल के आए, हमारा बेस्ट आउटपुट हम दे सकें. दे कंसर्न विद डेवलपिंग वंस फुल पोटेंशियल, इंक्रीजिंग वंस कॉम्पिटेंस एंड बिकमिंग अ बेटर पर्सन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कैन बी मेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाई प्रोवाइडिंग पीपल विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, क्रिएटिविटी, एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट. मीन्स कि हम एम्प्लॉय को उसके ग्रोथ के मौके दें, क्रिएटिविटी शो करने का उसको चांस दें, उसके एडवांसमेंट के वहाँ सुनिश्चित हों अवसर, और अचीवमेंट मिले तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को हासिल कर सकता है. ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. लास्ट में सबसे हायरार्की में लोएस्ट लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, मतलब कि इसको फुलफिल करना जरूरी है तब आप सेफ्टी पे जाएंगे. अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैस्लो के हिसाब से आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये हायरार्की है. उनके हिसाब से हर व्यक्ति पहले फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल करता है, तब सेफ्टी को, तब सोशल को, तब एस्टीम को, तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को. और एक खास बात आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी, इन्होंने ये जो चार नीचे की स्लाइड है, मतलब एस्टीम, लव, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल, इसको तो डेफिशिएंसी नीड का नाम दिया है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ग्रोथ नीड का नाम दिया है. देखिए क्या अंतर है दोनों में. मैस्लो रिफर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज ए ग्रोथ नीड एंड ही सेपरेटेड इट फ्रॉम द लोअर फोर लेवल्स ऑन हिज हायरार्की व्हिच ही कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड्स. According to his theory, if you fail to meet your deficiency needs, you will experience harmful or unpleasant results. Conditions ranging from illness and starvation up to loneliness and self-doubt are the byproducts of unmet deficiency needs. ये कह रहे हैं पहली वाली ग्रोथ है, बाकी की सब डिफिशियंसी. वो कहते हैं अगर चार नीचे की डेफिशियंसी नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या हो सकते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल इंपुरी, मतलब आप भूखे हैं, आपको सेफ्टी नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको रिकॉग्निशन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, तो हार्मफुल रिजल्ट होते हैं. लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अगर फुलफिल नहीं है तो कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बस अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो यू विल बिकम ए हैप्पियर पर्सन. But you are not harmed when these no needs go unfulfilled. यही कह रहा है ना? Thus, self-actualization needs only become a priority when the other four foundational या deficiency needs are met. ये नीचे की लाइन कर दी. वो कह रहा है कि हम ग्रोथ नीड के बारे में तभी सोचना शुरू करते हैं जब हमारी डेफिशिएंसी नीड्स फुलफिल हो जाती है. ऐसा नहीं है कि हमारी डेफिशिएंसी नीड्स फुलफिल नहीं है और हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं. बट देयर आर क्रिटिसिजम्स टू. क्या क्रिटिसिज्म है? व्हाइल मैस्लो व्यूड सेटिस्फैक्शन एज द मेन मोटिवेशनल आउटकम ऑफ बिहेवियर, मतलब नो डाउट मैस्लो की थ्योरी बहुत बड़ी पढ़ाई जाती है, बहुत बहुत आसान भी, आप इसको एक्चुअली आसानी से समझ सकते हैं. लेकिन ये कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन जो है वो मेन मोटिवेशनल आउटकम है ना. लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जॉब से सेटिस्फाई है तब भी बढ़िया आउटकम नहीं देते हैं, तब भी उनका वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कैसे मोटिवेट हो रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या लॉजिक है? ग्रेटिफिकेशन ऑफ वन नीड डज नॉट नेसेसरीली लीड टू इंक्रीज मोटिवेशन.
ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक नीड को हम ग्रेटिफाई कर लेते हैं तो दूसरी नीड की तरफ जाने के लिए हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है. सम पीपल कैन बी वेरी हंग्री एंड येट ट्राई टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स. कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी मतलब बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई है लेकिन वो सोशल नीड्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए वो ज्यादा जरूरी है. उनकी प्रेफरेंस में हायरार्की का ऑर्डर उल्टा है, ऊपर नीचे है, मतलब अकॉर्डिंग टू मैस्लो नहीं है. अदर्स कैन सेल्फ एक्चुअलाइज बाय वर्किंग इन रिस्की एनवायरनमेंट. ये कह रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा, हमारा मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, हम सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, सोशल एक्सेप्टेंस होगा, रिकॉग्निशन होगा, तभी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए सोचेंगे. लेकिन व्यक्ति ऐसे भी हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पहले सोचते हैं बाकी नीड्स फुलफिल हैं कि नहीं, है ना. इसका मतलब क्रम आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सली ऑल ओवर द पॉपुलेशन ये इसी तरह से अप्लाई होगा. देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द ऑर्डर इन विच नीड्स आर एक्टिवेट. इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं कि किस में किस तरह से नीड एक्टिवेट होती है. नीड्स चेंज मोर रैपिडली देन मैस्लो स्टेटेड. मैस्लो ने जैसी कल्पना की उससे तेजी से भी नीड्स चेंज हो सकती हैं. ओके और लास्ट में हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि नो डाउट बहुत अच्छी है, नो डाउट इसमें क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इसके बावजूद द मॉडल ब्रॉट अ मोर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाय इंट्रोड्यूसिंग द नोशन दैट नीड्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. जो मॉडल है उसने हमको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया कि इस बारे में बताने के लिए कि नीड्स भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमारी आवश्यकताएं रिलेटेड है, उनमें संबंध है. फिर मैस्लोस फोकस ऑन हायर ऑर्डर नीड्स हाइलाइटेड द रोल ऑफ सोशल डायनेमिक्स इन ह्यूमन मोटिवेशन. मैस्लो हमको ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन मनुष्य की अभिप्रेरणा में सोशल डायनेमिक्स के रोल को इंक्लूड किया. उन्होंने बताया कि सोशल डायनेमिक्स भी जरूरी है ह्यूमन के मोड को मोटिवेट रखने के लिए. और द थियरी ब्रॉट अ मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय पेइंग अटेंशन टू स्ट्रेंथ्स एंड नॉट जस्ट डेफिशिएंसी. ये कह रहे हैं कि हमको अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव उसको देखना है, तो हमको सिर्फ उसकी डेफिशिएंसी पर ध्यान नहीं देना होगा बल्कि उसकी स्ट्रेंथ पर भी अटेंशन पे करना होगा. ओके यही चीज आप लर्नर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. सो I have completed Maslow's theory of motivation. It is the most important theory of motivation. आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि आप अभिप्रेरणा के सिद्धांत में किसी एक का वर्णन कीजिए या मैस्लो की थ्योरी को विस्तार से बताइए, है ना, इस तरह से. तो मैस्लो की थ्योरी तो आनी ही आनी चाहिए आपको, एकदम टिप पे और आसान भी है. ओके सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके डन फ्रॉम माई साइड.